को मिठू मान के ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों आप लोग उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे और आज एक बहुत ही भारी प्रैंक करने वाले अपने हस्बैंड के साथ में। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए आप लोग देखिएगा हम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा गुस्सा होकर नाराज होकर यहाँ पर रूठ के बैठ जाते हैं, ठीक है? ओके क्या देख रहे हैं? क्या हुआ अंसे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है नाराज? अरे यार ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ मानसे? क्यों नाराज हैं? हमको आपसे नहीं बात करना है, ठीक है? जाइए ना, तो हुआ क्या यार बताओ कि तब ना। हमको आपसे नहीं बात करना, जाइए। क्यों? ऐसे ही जाइए। यार मेरा माथा ना पागल हो जाएगा यार, हमेशा यही रहता है। क्यों गुस्सा कर रही है? हमको आपसे नहीं बात करना है, जाइए। तो कारण बताओ ना। हम क्यों बताए? क्या हुआ? खाना खाई? हम खाए सही नहीं, आपको क्या हुआ? बोलो ना। हमको नहीं बोला है, कितना बार बोले, जाइए ना यहाँ से। क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं भैया? मतलब दिक्कत क्या है हमसे? कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। कहाँ जाए? बाहर। यहाँ पर आना तो चुपचाप से रहिए, हमको नहीं टूटिए, ठीक है? यार तो कुछ बोलो ना यार, बताओ ना। हम क्यों बताए यार? हम आए हैं, इतना दूर से आए हैं, खाना लेकर आओ। हम नहीं जाएंगे खाना लेने। खाना लेकर आओ ना। बोले ना नहीं जाएंगे। जाएगी तुम? नहीं। काहे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो हुआ क्या है? भगवान लगता है हमको खुद खाना पड़ेगा। क्या खाना नहीं देंगे? हमको नहीं देना, ठीक है? आप हमको अकेला छोड़ दिया कि नहीं? नहीं। तो खाना दो ना, फिर भूख लगा हुआ है। खुद परोस के खा लीजिए, ठीक है? हमको नहीं दिमाग खराब कीजिए। हम कैसे परोस के खाएंगे? हम कैसे परोस के खाएंगे खाना? क्यों, आपका हाथ में क्या हो गया, नहीं खा सकते हैं? हाथ टूट गया? हाथ टूट गया। आप यहाँ से जाइएगा, हमको अकेला छोड़ दिएगा कि नहीं? नहीं। हम ही को जाने दीजिए, आपके पास हमको नहीं रहना है, छोड़िए। जब से शादी किए ना सलाई हमको पागल बना के रख देंगे। आप ना मेरे पीछे मत आइएगा, ठीक है? क्या हाय। भाई
क्यों नाराज यार? चलो नीचे चलो, हमको खाना तो ना भूख लगा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बात आप मानते हैं पहले? क्या बताओ, इतना दिन से हम कह रहे हैं कि हमको एक बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, लेकिन आप मेरा बात मान रहे हैं क्या? शादी का इतना दिन हो गया लेकिन आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अरे तुम यार समझा करो यार, काहे नहीं समझते हैं मेरा बात? हमेशा बेबी बेबी यार, बातों तो कम से कम समझो। क्या सबको सबको हो जाता है, हमको नहीं हुआ है तो हमको नहीं सुख है? तो देख रहे हैं यार घर में कितना दिक्कत है। देखिए हम दोनों का भी मतलब स्ट्रगल, एक स्ट्रगल समय है, हम दोनों के पास पैसा बचता नहीं है, फिर बेबी आएगा तो और ज्यादा ना प्रॉब्लम होगा। तुम बात नहीं, हमको चाहिए बेबी। बेबी नहीं होने के कारण है यार, देखिए हम लोग को इतना गरीबी में है, मान के गरीबी तो शादी करने से पहले ना सोचना चाहिए था। गरीबी है यार, और ज्यादा दिक्कत हो जाए। तुम बात समझो यार, मेरा बात सुनिए, हमको एक चाहिए बेबी, हमको चाहिए चाहिए, प्लीज बात सुनिए ना, रो रहे हैं। नहीं हमको एक चाहिए बेबी, इधर ताक के बोलिए। यार देखो हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तुम्हारे जिद के कारण असला हम किसी दिन हम ना कुछ कर लेंगे, ये मतलब के ऐसा बात फालतू बात क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो कर लेबे, तुम जिद क्यों करती रहती है यार? हमेशा कुछ ना कुछ जिदे करती रहती है। आप कैसा आदमी है, सभी को खुशी होता है, आपको दुख होता है? हमको दुख नहीं होता, हमारा स्ट्रगल समय है, अभी हमको खुद कष्ट होता, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बात नहीं समझते हैं। एक एक दे दीजिए हमको प्लीज। नहीं अभी नहीं होगा, दे दीजिए, नहीं होगा जब। नहीं एक बेबी हमको चाहिए। देखिए हमको दिमाग खराब नहीं कर, देखिए हम तब दुनिया से चले जाएंगे यार, कुछ कर लेंगे बस, सब दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे हैं मेरा अभी समय चल रहा है स्ट्रगल का यार, बहुत कष्ट है, पैसा बचता नहीं है। जानू हेलो। हाँ हटो। क्या हो, क्या हुआ? प्रैंक, प्रैंक कर रहे थे। देखिए उधर कैमरा लगा है, देख लीजिए, आपको नहीं पता चला? क्या चीज, ये क्या चीज का प्रैंक है? प्रैंक हम जानते हैं कि आपको दिक्कत है, हम सब समझते हैं, ठीक है? तो हम तो बस ऐसे सोचे आपके साथ प्रैंक करके देखते हैं कैसा लगता है। कैसा लगा हम प्रैंक? कैसा लगा यार, हम काम तो क्या आए हैं यार, तुम हफ्ते मात्र कुछ कहानी एक्स्ट्रा करने लगे, खाना वाना हम नहीं खाएंगे? हाँ तो चलिए देते थे, तो फिर ऐसे नटंगी करने लगी है। प्रैंक था यार, कैमरा लगाए नहीं देख रहे आप? जी वाले, चलो खाना देने चलो, ठीक है, चलो। लगा हुआ है हमको।